लोग कहते हैं कि जो है खिलाड़ी को एक स्टेज चाहिए, मैं कहता हूँ अगर ग्रामीण में भी अगर प्रतिभा है और आपको उसमें निखारने की अगर शक्ति है तो आप उसको निखार सकते हो। बच्चे यही होते हैं, बच्चे कोई ऊपर से नहीं आते हैं और खेल प्रतिभा इनमें से ही छुपी होती है। आप उनको निखारना और समय देकर बच्चों को तैयार करो, वो आगे जाएंगे तो अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, अपने ज़िले का करेंगे और राजस्थान का करेंगे और आगे जाके इंडिया के यहीं से खिलाड़ी मिलेंगे, दूर से नहीं मिलेंगे। और मेरे बच्चों ने जो है बहुत अच्छी तैयारी की और तैयारी के साथ में जो है 67वीं जिला स्तरीय ये खो खो प्रतियोगिता 17 वर्ष छात्र वर्ग में विनर रही, इसलिए मैं जो है विद्यालय परिवार की ओर से, बच्चों की तरफ से और संपूर्ण जो है हमारा सारा जो विद्यालय परिवार, आप सभी को जो है हार्दिक शुभकामनाएं और बच्चों को जो आगे राज्य स्तर पर खेले अच्छा प्रदर्शन करें और आगे जाके जो है इनका जिला जो राज्य स्तर के बाद में इनका आगे भी चयन हो, इसी शुभकामना के साथ में जय हिंद जय भारत। आज में बहुत ही खुशी का माहौल है कि जो जिला स्तरीय टूर्नामेंट चल रहा है उसमें पहले जो टेबल टेनिस उसमें भी छात्र और छात्राएं राज्य स्तर के लिए चयन हुआ है और आज जो खो खो की 17 वर्षीय टीम अलवाड़ा में गई थी वहां भी प्रथम स्थान प्राप्त करके अब राज्य स्तर पर जाएगी। तो मैं अपने पूरे विद्यालय परिवार को और जो खेलने वाले छात्र है उनको सबसे पहले हार्दिक बधाई दूंगा क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है, इसलिए इन छात्र और जो मेहनत कराने वाले जो उनके गुरुजन है उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। 67वीं जिला स्तरीय 17 वर्षीय बालक वर्ग में हम फाइनल में विजेता हुए, हमारी टीम के सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया और बच्चों ने अच्छी तैयारी की, राज्य स्तर पे भी खिलाड़ियों का चयन हुआ है। मैं खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।